हेलो सबको, राम राम, नमस्ते। आज बाई ने सुबह ही कह दिया मैं नहीं आऊँगी, तबीयत ख़राब है, सो मैं आ गई किचन में। पूरा काम नाश्ते पानी का हो चुका है, उसके बाद ये बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो मैं अब धो रही हूँ, मांझ रही हूँ इनको। पूरी रसोई चकाचक साफ़ कर दी है। जब बाई नहीं आने से ये होता है कि आप अच्छे से काम कर लेते हो, और देखो मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी रसोई को क्लीन किया है, ऊपर नीचे कपबोर्ड वगैरह सब जगह पर। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम में रजाइयाँ पड़ी हुई हैं। हस्बैंड वगैरह लोग 8 बजे ही निकल गए थे अपना लंच भी लेकर के, नाश्ता करके। अब मैं किचन से फ्री हो करके यहाँ आ गई हूँ। सब बिस्तरे वगैरह सब अंदर रख दूँगी, सब डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं चलती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़े जो पहले के थे वो भी उतारती हूँ। अभी कई दिनों से बैंगलोर में खूब बारिश हो रही है, जिसके कारण कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा इवनिंग में बारिश होती है, कपड़े सूख भी नहीं पा रहे, और मेरी वेस्ट साउथ की बालकनी है तो यहाँ पर धूप भी बहुत कम आती है। आज कपड़े सूखे हैं 2 दिन के, तो सबको उतार लूंगी। ढेर लग गया था कपड़ों का, ये देखो सारे कपड़ों की आज तह की गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। मेरी 2 फ्रेंड आने वाली है एक्चुअल में, सुबह तो लंच और ब्रेकफास्ट करके दे भी दिया था और खिला के भी भेजा है सबको। ऑलमोस्ट लंच बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मेरी फ्रेंड्स आ रही है बोल के मैंने खाना तैयार किया। और ऐसा होता है जब जब कोई घर में आता है या मुझे कहीं बाहर जाना होता, भाई अक्सर उसको पता नहीं क्या खुशबू आती है कि वो हमेशा या तो लेट आएगी या छुट्टी मारेगी, और वही हुआ। सुबह जब उसका फ़ोन आया तब मैंने कहा लो आज ही गेस्ट आने वाले थे और आज ही तुमने छुट्टी कर ली, और वैसे ही हुआ। और ले देखे मुझे ही सारा काम करना पड़ा, और खूब सारा काम हो गया, बल्कि कपड़ों के तह और सुखाना भी वो हो गया, क्योंकि करती तो मैं ही हूँ ये सब काम, पर फिर भी ये है कि चलो हेल्प हो जाती है बर्तनों में और झाड़ू पोछे में, तो ऐसे मुझे ही करना पड़ा। अब मैं बहुत टायर्ड हो गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स लोग भी 12:30-1 बजे के तक आने ही वाले थे, और मैं सुबह से लगी हुई थी लगातार 7 बजे से। एक तरफ मैंने कढ़ी छोकी है और एक तरफ मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी भी मैंने हाथों हाथ ही काटी है। कढ़ी भी काफी देर से उबल रही है अच्छे से। जब ये प्याज अच्छे से भून जाता है तब मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। ये भिंडी बहुत ज़्यादा है और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रही हूँ।
अपनी साइड में जैसे हमारे नॉर्थ साइड में भिंडी बहुत छोटी छोटी और क्यूट सी पतली सी अच्छी भिंडी मिलती है, यहाँ पर तो भिंडी बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, 6-6 इंच की, 8 इंच की, 10 इंचेस तक की भी होती है, इतनी बड़ी बड़ी और थोड़ी थोथी थोथी सी होती है, एकदम टेस्ट भी थोड़ा अलग ही आता है यहाँ की भिंडी का, वो वाली बात नहीं होती है, यहाँ की भिंडी में टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, फिर भी हम लोग को अब आदत पड़ चुकी है ये टेस्ट खाने की, इसी में रहने की, सब कुछ अच्छा लगने लगा अब तो। अकॉर्डिंग टेस्ट नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी, थोड़ा सा धनिया डाला, धनिया मैंने बाद में और भी डाला था, मसालदानी में खत्म हो गया था, तो कढ़ी मैंने पकोड़े के ना बना के जल्दी थी आज, मेरे को थोड़ी सी इतना सारा काम था और गेस्ट आने का टाइम हो गया था, तो पकोड़े की कढ़ी ना बना के मैंने, हमेशा ये भुजिया के गट्टे बच जाते हैं, कोई भी नहीं खाता, तो इन भुजिया के गट्टों को मैं डाल देती हूँ और बहुत अच्छी कढ़ी बनती है, तो यही मैं उसमें डाल रही हूँ। धनिया डाला अभी मैंने, ये धनिया भी कम से कम 3-4 दिन पुराना था, फ्रिज में रखा हुआ, तो थोड़ा सा ऐसे हो गया। ये कढ़ी अच्छे से उबल चुकी है, काफी देर तक उबली है, अब मैं इसमें अलग से तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए थोड़ा सा तेल लिया, जब तेल गरम हुआ तो इसमें मैंने मेथी दाना डाला। मेथी दाना इसलिए डालती है कि कढ़ी में बायबदी होती है, तो मेथी दाना से बायबदी और गैस हटती है, इसलिए मेथी दाना यूज किया जाता है। राई का तड़का, थोड़ा सा जीरा भी डाला मैंने। अब मैंने गैस बंद कर दी, परंतु पैन बहुत ज्यादा गर्म था इसीलिए वो मैंने मिर्च डालने की कोशिश की, पर मैंने कहा कि चलो बाद में डालते, नहीं तो पूरे घर में धसका धसका हो जाएगा, और जब मैंने मिर्च डाली तो कोई धसका नहीं हुआ क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन हो चुका था। एक गलती की मैंने, प्लेट ढक के ये तड़का डालना चाहिए था ताकि वो तड़के के जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं तो पूरी रसोई गंदी होती है, पर अभी वही गलती की मैंने। पर कढ़ी बहुत स्वाद बनी थी, बहुत स्वाद, ऊपर से डाला हुआ तड़के से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है हमेशा। इधर भिंडी भी बन चुकी है, देखिए दोनों चीज तैयार है। कुकर में चावल लगा दिए हैं, अब मैं आटा गूंथूंगी।
चुका है, घर एकदम साफ करना है, बाकी पूरा काम किचन का करने के बाद मैंने रसोई से निकलते झाड़ू लगाई है। अब देखिए ये घर पूरा नीट एंड क्लीन है, किचन से लेकर के रूम और हॉल पूरा क्लीन है, हर जगह नीट एंड क्लीन है। अब कोई दिक्कत नहीं। और ओके, टाटा बाय बाय, आज का रूटीन मैं इतना ही दिखा पाई। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़।